sponsored by महापर्व छठ 31 तारीख से शुरू हो गया है। आज छठ पूजा का दूसरा दिन है, आज खरना है। आज व्रतिया दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को चूल्हे पर खीर बना के अपना व्रत तोड़ती हैं। कल और परसों पहला और दूसरा अर्घ है और यहाँ सेक्टर 12 में लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। ये पुल जिसे लोग इस पार से उस पार जाते हैं आधा बन के तैयार हो चुका है, कल तक ये पूरा बन जाएगा। साथ ही यहाँ पर सजावट के लिए बहुत सारी लाइट्स लगाई जाती हैं, उसकी भी तैयारी पूरी हो चुकी है। तो जब कल आप यहाँ आएंगे तो यहाँ की रौनक देखने लायक होगी। कुछ लोगों ने अपने पिंड पहले ही बना लिए थे और कुछ लोग अभी बना रहे हैं। आपको मेरे पीछे बहुत सारे लोग दिख रहे होंगे जो कि पिंड बना रहे हैं। सेक्टर 12 आने के बाद हमें एक छठ व्रती मिली है, तो चलिए इनसे बातें करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता देवी। यहाँ आप किस विषय से आज आई हुई हैं? आज दंडवत देंगे आज, और उसके बाद अर्घ देंगे और घर जाके फिर खरना बनाएंगे। खरना होगा, खरना में खीर बनता है, रोटी बनता है, प्रसाद के रूप में फल रहता है। ग्रहण करने के बाद सबको प्रसाद वितरण करते हैं। अच्छा, कैसे करती हैं पूरा छठ पूजा आप कैसे करती हैं? नहाए खाए करते हैं, उसके बाद फिर आज लोहड़ा है तो आज भी दंडवत देंगे, अर्घ देंगे और घर जा कर के खरना बनाएंगे, सबको प्रसाद देंगे और फिर कल भी अर्घ पड़ेगा। डूबते हुए सूरज को अर्घ देना है और परसों उगते हुए सूरज को अर्घ देना है और फिर परसों पारण होगा अर्घ देते। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सेक्टर 12 के कमेटी मेंबर, तो चलिए इनसे जानकारी लेते हैं कि क्या क्या तैयारियां ये कर चुके हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? दिलीप कुमार। अच्छा, क्या क्या तैयारियां आप कर चुके हैं? तैयारी तो लगभग पूरा सब कम्प्लीट हो गया है, लेकिन थोड़ा सा BSL से हम लोग को मदद जो है वो कम मिला है और बाद बाकी तो सब तैयारी सब सही समय पे सब कुछ हो ही गया है। क्या क्या तैयारियाँ करते हैं? तैयारी हम लोग पुल बनाते हैं, बांस का पुल बनाते हैं, रोड में जितना है ये सब झाड़ी वगैरह सब उसको साफ करवाते हैं, कचरा जितना इधर सब फेंका हुआ है वो सब साफ करवाते हैं, लाइट लगवाते हैं घाट पे और जो भी यहाँ का विधि व्यवस्था है उसको हम लोग सब अपने से ये करते हैं। हम लोग करीब 15 से 20 ये रूम चेंजिंग के लिए वो बनवाएंगे, वो जो जिसमें व्रती लोग अपना कपड़ा चेंज करते हैं उसके लिए 15 से 20 ये रूम बनाएंगे हम लोग। गाना जो बजाते हैं वो बहुत तेज़ होता है तो उससे बूढ़े बच्चों को प्रॉब्लम होता है? वो तो यहाँ पर इतना मैंने पॉपुलेशन रहता है, इतना भीड़ रहता है कि अगर बाजा नहीं, अगर हम लोग अनाउंसमेंट नहीं करेंगे तो यहाँ का विधि व्यवस्था को संभालना मुश्किल होगा। प्रशासन की तरफ से हम लोग को मिलता है सपोर्ट, लेकिन वो सफिशियंट नहीं है। मैं प्रियंका सेक्टर 12 से आपको सुबह और शाम दोनों अर्घ की रौनक दिखाते रहूंगी। बने रहे द टाइम्स मीडिया के साथ। कैमरामैन विजय के साथ मैं प्रियंका, द टाइम्स मीडिया। बने रहे द टाइम्स मीडिया .com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।